नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क में। तो ट्विटर के समान ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है कू। इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे बनाया है बेंगलुरु की बॉम्बी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने। क्या आप ये जानते हैं कि कू ने उपयोगकर्ताओं के हिसाब से एक साल के अंदर ट्विटर से देश में आगे निकल जाएगा ऐसा लक्ष्य बना रखा है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कू के सह संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO अप्रमेय राधाकृष्ण ने एक समाचार एजेंसी से हुई बातचीत के दौरान कहा कि मार्च 2020 में शुरू हुए हमारे इंटरनेट मीडिया मंच कू के उपयोगकर्ता के आधार पर पिछले 12 महीने के दौरान 10 गुना वृद्धि देखी गई है और इसे 3 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। आगे उनका कहना रहा कि वर्ष 2022 के अंत तक डाउनलोड संख्या 10 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद भी है। उन्होंने कहा कि कू वर्तमान में अंग्रेजी समेत 10 भाषाओं में उपलब्ध है और इसका संचालन नाइजीरिया में भी है। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि उनके पास हर महीने 70 से 80 लाख एक्टिव यूज़र्स हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हम गैर अंग्रेजी उपयोगकर्ता के आधार के मामले में ट्विटर से बड़े हैं और हमारा लक्ष्य घरेलू बाजार पर कब्जा करना और देश में सबसे बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनी बनना है और इसे हम अगले 12 महीनों में पूरा भी कर लेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कम समय में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कू का यूज़ करने वाले यूज़र्स की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।